बॉलीवुड में रीमेक्स की बड़ी डिमांड चल रही है। हालांकि हर रीमेक कामयाब नहीं होती, लेकिन इससे फिल्म मेकर्स के कन्विक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसेंटली रिलीज होने जा रही है शौकीन की रीमेक द शौकीन्स। फिल्म का ट्रेलर बहुत हिलेरियस और चटपटा है, जो ऑडियंस को फिल्म की ओर आकर्षित करता है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्यों हमें द शौकीन्स मिस नहीं करना चाहिए। सबसे अहम बात तो यह है, द शौकीन्स इज अ रीमेक ऑफ शौकीन, विच वॉज अ बोल्ड एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1982। तीन बुजुर्गों का एक जवान लड़की से प्यार करना, ये सब्जेक्ट उस जमाने में भी बोल्ड और रिस्की था, और कुछ हद तक आज भी है। तो उसी सब्जेक्ट पर बनी इस रीमेक में एक्स्ट्रा मसाला और कुछ नयापन होने के कारण इसे देखना तो बनता है बॉस। अनुपम खेर, पीयूष मिश्रा और अन्नू कपूर बॉलीवुड के मंजे हुए कलाकार हैं। ये तीनों किसी भी रोल में बखूबी फिट हो जाते हैं और उसमें जैसे जान डाल देते हैं। तो जब तीनों स्टार्स एक साथ एक फिल्म में कॉमेडी करते नजर आएंगे, तो ऐसा मौका कौन मिस करना चाहेगा भला। बॉलीवुड की फिल्मों में म्यूजिक और डांस अच्छा होना भी जरूरी है, एंड द शौकीन्स हैज पास्ड दैट टेस्ट। सॉन्ग्स लाइक मेहरबानी एंड मनाली ट्रांस हैव ऑलरेडी ग्रैब्ड आईबॉल्स ऑफ द ऑडियंसेस एंड आर बिकमिंग चार्ट बस्टर्स विद ईच पासिंग डे। फिल्म के सक्सेस में जितना योगदान एक्टर्स का होता है, उतना ही फिल्म के डायरेक्टर का भी, और आज की ऑडियंस डायरेक्टर्स के मामले में भी चूजी हो गई है। ऐसे में द शौकीन्स को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अभिषेक शर्मा से थोड़े एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने ऑडियंस को तेरे बिन लादिन जैसी सिंपल और हिलेरियस कहानी का मजा भी चखाया है। कॉमेडी फिल्मों का डिमांड तो हमेशा ही रहता है, और बॉक्स ऑफिस पर बहुत समय के बाद एक साफ सुथरी अच्छी कॉमेडी फिल्म नजर आ रही है। द शौकीन्स के ट्रेलर में जबरदस्त कॉमेडी का डोज मिलता है, जिससे इस फिल्म को देखने में और भी मजा आएगा। तो 7 नवंबर को रिलीज होने वाली द शौकीन्स को थिएटर्स में देखना मत भूलिएगा। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज, एंड Don't forget to like the stories.